अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर स्मेरा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी लेके आई हूँ, वो है कोकोनट की मीठी रोटी। और इस एक रोटी में तकरीबन 495 कैलोरीज होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है, इस पर मैंने इलायची पाउडर, इस पर मैंने चीनी पिसी हुई और ड्राई फ्रूट जो है वो पिसा हुआ, वेल ग्राइंड जो है वो भी मैंने इसमें डाल के, थोड़ा सा फूड कलर डाल के इसको मैंने दूध के साथ गूंद लिया। अब मैंने एक पेड़ा बनाया, इसको थोड़ा सा बेल लिया और कोकोनट और बादाम को जो मैंने वेल ग्राइंड किया था वो भी इस पर मैंने सारा डाल दिया। इसके अलावा मैंने थोड़ी सी सौंफ इस पर डाली है। अब इस रोटी को मैंने टर्न कर लिया और इसी तरह मैंने अब इसको बेल लिया। ये नहायत आसान है, बहुत आसानी से बन जाती है, लेकिन जायके में बहुत मज़ेदार है। ये फुल ऑफ कैलोरीज है, बहुत मज़ेदार बनती है और बच्चों की तो देखिएगा ये कितनी पसंदीदा रोटी होगी। अब मैंने इसको तवे पर डाल दिया है। जब एक साइड से ये सिक गई तो इसको मैंने टर्न कर दिया और इस पर मैंने अब घी भी लगा दिया। घी मैंने देसी लगाया है, तो आप कोशिश कीजिएगा इसे देसी घी में बनाने की, क्योंकि बास चीज़ें देसी घी में ही बहुत अच्छी लगती हैं, और अगर ना हो तो आप डालडा भी ले सकते हैं। अब ये ड्राई फ्रूट से भरी हुई रोटी है, जो बड़ों को क्या बच्चों को सबको बहुत पसंद आएगी। हमारे घर में तो ये सभी बड़े शौक से खाते हैं। इस रोटी को खा के आपकी इम्यूनिटी में इजाफा होगा और आपकी वीकनेस ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको खा के बताती हूँ कि ये कैसे बनी है। ये देखें, इसमें सारा ड्राई फ्रूट लगा हुआ है और बहुत मज़ेदार है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।